कर्नाटका में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले कर्नाटका में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब बीजेपी के घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। रोज़ाना नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े घोटाले किए हैं बीजेपी ने, बीजेपी के जिम्मेदारों ने, मुख्यमंत्री ने, दूसरे वजीरों ने, और अब कांग्रेस सख्ती से सभी की जाँच कराने जा रही है। और इसका आगाज़ हुआ है कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के घोटाले से। कर्नाटक के नायब वज़ीर-आला डी के शिवकुमार का कहना है कि कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड में बड़े पैमाने पर बीजेपी ने घोटाला किया है, करप्शन किया है। इसके अलावा भी कई महकमा है जहां बीजेपी ने घोटाला किया है, सभी की जांच कराई जाएगी। कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड में घोटाला के हवाले से शिकायत की वहाँ के वजीर प्रियांक खड़गे ने, और उनकी शिकायत पर कांग्रेस सरकार ने, कह लीजिए, या वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने जाँच का आदेश दे दिया है और अब बीजेपी की जाँच होगी, उनके घोटाले के खिलाफ इंक्वायरी कराई जाएगी और इस तरह बीजेपी को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि बीजेपी के कई अहम नेताओं को जेल जाना पड़े। कर्नाटक से ही एक और बड़ी खबर यह है कि वहां की सरकार ने हिजाब पर पाबंदी को खत्म करने के बारे में गौर खोज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार ने मुसलमान स्टूडेंट्स के हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस में जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। इस बीच कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हिजाब पर हम ऐसा फैसला करेंगे जो स्टूडेंट्स के हक में होगा और किसी को उससे कोई शिकायत नहीं होगी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने यह भी कहा है कि पिछली बीजेपी सरकार ने यहां के निसाब तालीम को बदल दिया था, ऐसे निसाब को शामिल कर दिया था जो बच्चों के जहन में जहर भरने वाला था, माहौल को खराब करने वाला था। ऐसे तमाम निसाब को दोबारा तब्दील किया जाएगा, सही निसाब होगा जो पहले जैसा था। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो हलाल पर बीजेपी ने कानून बनाया है उसको भी तब्दील किया जाएगा। यहां फिरका वारियत के जितने सारे कार्ड खेले बीजेपी ने, उन तमाम को तब्दील किया जाएगा। वाज़ह तौर पर यह कर्नाटक की सरकार का कहना है। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।